हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग अपने कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग का स्टेप है डिसेबल स्टार्टअप प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, जैसे ही हम लोग अपना कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है जो स्टार्ट कंप्यूटर के स्टार्ट होते हैं वो भी रन होने लगते हैं। रन होने की वजह से रैम में वो आ जाते हैं, उसके आने से हम लोग कंप्यूटर काफी स्लो हो जाता है। तो जो हम लोग के यूज का प्रोग्राम नहीं है उसको हम लोग को डिसेबल करना है। चलिए देखते हैं कैसे डिसेबल करें। सबसे पहले हम लोग को विंडोज पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद टास्क मैनेजर पे क्लिक करेंगे। टास्क मैनेजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ स्टार्टअप पे क्लिक करेंगे। स्टार्टअप पे क्लिक करने के बाद हमें इसमें देखना है कि कौन सा ऐप इसे रन हो रहा है जिसका यूज नहीं है। जैसे ये है एचपी का है ये प्रोग्राम, इसको डिसेबल करना है। यहाँ पे करके इस पे डिसेबल कर देंगे। फिलहाल हमको इसको डिसेबल नहीं करना है। ऐसे वो पेरा मिनी वो डिसेबल है। ऐसे यहाँ पे एक स्क्रीन रिकॉर्ड आ रहा है वो इनेबल है, उसको हम डिसेबल कर देंगे। अगला हम लोग का स्टेप है डिसेबल विजुअल ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। इसमें हम लोग क्या करना है, इसका कुछ ड्रॉबैक भी है कुछ प्रॉफिट भी है। इसका ड्रॉबैक ये है कि कोई फोल्डर के अंदर का कोई भी फोटो या कोई भी फाइल बाहर से नहीं दिखता इसको इस सेटिंग करने के बाद। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले विंडोज पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सिस्टम पे क्लिक करेंगे। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद सबका, जो भी लोग अभी सेटिंग नहीं किए होंगे उनका इस पे टिक लगा होगा, लेकिन हम पहले से इस पे सेट करके रखे थे उसको एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पे क्लिक करके उसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है। ये हम लोग का सेकंड स्टेप था। अगला हम लोग का स्टेप है टर्न ऑफ ऑटो अपडेट विंडोज। जैसे हम लोग का विंडोज है, ये कोई भी विंडोज अपना माइक्रोसॉफ्ट कोई भी अपना अपडेट करता है तो ऑटोमेटिक हम लोग का विंडोज अपडेट हो जाता है, उसको हम लोग को ऑफ करना है। इसके वजह से भी काफी हम लोग का कंप्यूटर स्लो हो जाता है। इसको हम लोग को ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, विंडोज प्लस आर की प्रेस करना है और उसमें हम लोग को टाइप कर देना है service.msc, उसके बाद ओके कर देना है। ये करने के बाद यहाँ एक नया आइकन खुल के आएगा जिसमें एक विंडो अपडेट का एक ऑप्शन होगा। देखिए ये विंडो अपडेट का यहाँ आइकन है, इसको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद इसमें सब लोग का ऑटोमेटिक पे होगा, कुछ लोग का ऑटोमेटिक पे होगा या मैनुअल पे होगा, इसको डिसेबल कर देना है यहाँ और उसके बाद अप्लाई करके ओके पे क्लिक कर देना है। ये हम लोग का स्टेप है। अगला हम लोग का स्टेप है टर्न ऑफ नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन ऑफ करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, सबसे पहले विंडोज पे राइट क्लिक करना है। इसके बाद सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद सिस्टम पे क्लिक करना है। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद ये ऑन है नोटिफिकेशन, इसको ऑफ कर देना है। ये हम लोग का अगला स्टेप था। इसके बाद का स्टेप क्या है, क्लीन स्टोरेज। क्लीन स्टोरेज के लिए क्या करना है, विंडोज पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद सिस्टम पे क्लिक करना है। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद स्टोरेज पे क्लिक करना है, ये ऑफ है इसको ऑन कर देना है। अगला हम लोग का स्टेप है रन डिस्क क्लीनअप। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ डिस्क क्लीनअप टाइप करना है। डिस्क क्लीनअप यहाँ आ गया, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद जो भी हम लोग को, जैसे हम डिस्क क्लीनअप कर देंगे तो जो भी टेम्पोरी फाइल्स होंगी वो इसमें से डिलीट हो जाएंगी। जैसे इसमें एक डायरेक्ट शेडर कैसी है इसको हमको डिलीट करना है, इसको ऐसे कर देंगे ये डिलीट हो जाएगा, इसके अंदर जो भी होगा वो डिलीट हो जाएगा। अगला हम लोग का स्टेप है डिलीट अनवांटेड सॉफ्टवेयर। इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग को विंडोज पे क्लिक करना है। विंडोज पे क्लिक करने के बाद सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद एस पे क्लिक करना है। एस पे क्लिक करने के बाद जो भी इसमें है उसको हमको इंस्टॉल करना है, इस पे हम क्लिक करेंगे राइट क्लिक। जैसे गूगल क्रोम को हमको अनइंस्टॉल करना होगा तो इस पे राइट क्लिक करके यहाँ अनइंस्टॉल कर देंगे, यहाँ अनइंस्टॉल हो जाएगा। जो भी यूज करना ही होगा सॉफ्टवेयर उसको हमको अनइंस्टॉल कर देना है। इसके बाद ये स्टेप नहीं है, इसके बाद जैसे सी ड्राइव कुछ लोगों का काफी काफी फुल हो गया रहता है तो उसको हम लोग को क्लीन करना है। जैसे सी ड्राइव बहुत लोगों का ये जो सी ड्राइव है ये पूरा फुल हो चुका रहता है, इसको हम लोग को क्लीन कर देना है। बहुत सारे इसमें से जो यूज का नहीं है प्रोग्राम या फाइलें उसको डिलीट कर देना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर फुल हो जाता है आपका सी ड्राइव तो आपका कंप्यूटर काफी स्लो हो जाएगा, इसलिए कभी भी सी ड्राइव के स्पेस को ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए और इसमें
इसको फुल नहीं होने देना चाहिए। कोई भी चीज डाउनलोड करना है वो अपने अलग ड्राइव में उसको डाउनलोड करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।